हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वी के तुम सब लोग खैरियत होंगे। तो गाइस, माय फर्स्ट व्लॉग दिस चैनल नेम सी एच अकमल ओके 23 चैनल का नाम है, बहुत लंबा नाम है। तो इस चैनल पे हम लोग, हमारा फर्स्ट व्लॉग है। हम ही करता हूँ सबको, फर्स्ट होगा, हम ही करता हूँ सबको, सबको लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। कहीं आपने कुछ व्लॉग में कमी पेशी लगी तो मुझे बता देना, मैं आपको आगे व्लॉग में उसकी कमी पेशी नहीं लगाऊंगा। तो गाइस, हमारा छोटा भाई है, ये देखिए हमारी मस्ती कर रहा है बहुत, ये इसके काम चेक करे इसके। और हमारा दूसरा भाई भी, हमारा जो कज़न है वो आ चुका है। माय नेम इज उमर अकमल और दिस इधर आना भाई, दिस नेम फाहद, पूरा नेम बताओ ना, फाहद जवेद इसका नेम है गाइस। तो ये देखें आज का मौसम, माशाल्लाह से बहुत हसीन मौसम है आज का, ऐसा गाड़ियों में कभी कभी देखने को मिलता है। तो अल्लाह सुबह के अगले रोज ऐसे का मौसम हो, आज का जुम्मतुल मुबारक का दिन है और देसी की ठंडी हवा, वो हमारी मस्जिद है, ये चेक कर सकते हैं आप, वो हमारी मस्जिद है। और हम लोग यहाँ पे खुली छत में आए हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे गाइस छत में हमारे लोग स्टार्ट किए हैं, रूम में सब कुछ है यहाँ पर, और यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। और हम लोग छत में आए थे, एंजॉय करने आए थे, ठंडी वाश चली स्कूल से मजे ले रहे थे हम लोग। और ये गाइस था आपको एक छत को, ये देखिए गाइस, ये बड़ा प्लाट है सामने आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर से। ये देखिए गाइस, ये 7 लोगों के, इनके पास मोर है, शायद आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको मोर भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद कर सकते। तो ये हम लोग यहाँ छत पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल, कहीं बैठते हैं, कभी करते हैं, कहीं बातें करते हैं। तो हम लोग इस बाइक से बात करें, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो इस बस से बात हम लोग करते हैं। भाई, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दिन नॉलेज ठीक है। हाय 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 हाय, ये शोर बड़े लड़का था, ठंडी हवा, क्या 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 फिर से बोला ये, वो क्या बोलना आपने, क्या बोल बदोबदी बदोबदी का ये गाना हम छोड़ सकते हैं बच्चों, ये भी हर इस गेम में आजकल बदोबदी की बदोबदी ऐसे फंसे बदोबदी। तो भाई ये भाई वेला फीडर कोई आपको काज है नहीं है, ऐसे इस पानी मुंह में डाल के, ये देखो जैसे कुछ शराबी होता है तो आपको नीचे का। ये देखें भाई, दूसरा भाई हमारे पापा ने गा चुका है, ये वो लड़की है, किसी को पापा नहीं देता इसलिए जी आपको मिला इससे पापा नाम आगे इसको अपने इस, ये आपको इतनी गाली निकालेगा ये पापा नहीं देता, देता नहीं वो गाइस, ये भूखड़ा है मामा के लेके, तो पापा फिर भी किसी को देता नहीं, क्यों बस ये कहा ना मैंने, चलो नहीं सी कहा मैंने। तो इस बार पूछते हैं भाई, व्हाट इज योर नेम, पूरा नेम ना, ये सब लोग आधे नेम पता नहीं, पूरा नेम पता नहीं, पूरा नेम मोहम्मद नान नेम है उसका। तो गाइस आज हम लोग, क्या बात हो रही थी, गोबर की बात हो रही थी, गोबर की बात, आपको गोबर भी दिखाते जाके हमारे गांव के गोबर मंजर वगैरह आपको खाने जो चलते हैं नीचे, हम लोग आपको दिखाते हैं गोबर वगैरह। चलो आयो शाम को भाई, ये गांव की नारियाँ और वो हमारी सड़क के यहाँ से कोई नीचे उठ सकता है। तो ये मेरे घर है, मेरे कज़न का प्लाट है, उनके पास मज्जे बहुत हैं, ये मज उनकी है और ये हमारे कज़नों की मज्जे हैं, चेक कर सकते हैं हड्डी कट्टी मज्जे हैं। और गाइस सही है, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए, मुँह में स्पर्श आ रही है इसलिए कहते हैं स्पर्श ना खाया करो, बंदा शराब मतलब पागल हो जाता है, मेरी भी खराब हो रही है उसको देखे मैंने क्या कौन है गाइस, लेकिन ये गाबर जो है आपको थापियां गाइस, थापियां बोलो देखो, थापियां कितने पियां, थापियां ओए देखें थापियां, थापियां बोल गाइस, आपने सुना होगा थापियां भी होती हैं इसको, क्या इससे ना हम लोग आग भागते हैं थापियों से, और ये इससे भी हम लोग आग भागते हैं, ये सब कुछ बल है मजे में सारे करा हसिया मजे तो ना। तो ये गाइस ये और ये तीन ना ये है, ये
इतना तो सब लोग कर सकते, तो मैं भी कर सकता भाई। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये मारती नहीं है तो मुझे पता है, मारती नहीं है, प्यार करती है। ये कहीं मारने वाले बॉय मुझे तो मारती है ना, उसको नहीं मारती ना, मुंह खोल के वैसे खोप पा रहा है, नहीं मारती। तो गाइस यार सोना, ये होती है तूड़ी, शायद आपको ना पता हो तो शायद पता ही होगा, तूड़ी ये होती तूड़ी, और ये माजे का गोबर होता है गाइस। ये इनके बच्चे हैं, एक वही बच्चा है वही बच्चा है, इधर इधर आपको भाई का मोल ये उठर बना के ये बॉय यही ना इसी पे गाइस काम भी मारा। जंगल है भैया, पता नहीं क्या मस्ती करी है। मेटल लोग पता है आपको, आई मेटल लोग ऐसे करते हैं, आपको पता भी है मेटल लोग ऐसे करते। ओ थो काम चेक करो, काम चेक करो, मैंने काम चेक करो, अच्छे ना डिग पाना पड़े। ओ तू ओ मर गयो, पीछे मर गई है, पंगे ले रहा था ये बच्चे, हमसे पंगे ले रहा है। चलते हैं घर, चलते हैं। तो गाइस मेरे पापा जी घर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी? उमर मैं कह रहा था गाइस मैं अपने पापा से पूछता हूँ, मेरा आपको व्लॉग पसंद है जो मैंने सेंड किया है आपको? मैंने जी मैं देखने वालों को ये बता दूं कि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, जैसा कि उमर अकमल ने मेरे बेटे ने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। और आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमने लिखा है कि 50 के सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद माय फर्स्ट व्लॉग, तो ये बिल्कुल हकीकत है, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। हमने प्रॉपर आज से शुरू किया है ये काम, तो मैं शुरू से कम्युनिटी पोस्ट पर ही काम कर रहा था, तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि माशाल्लाह हमारे 50+ के जो है ना सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हमें व्लॉग बनाना चाहिए। तो मैं कहा यार मैंने तो कभी व्लॉग बनाया नहीं, मैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे ही काम करता हूँ। तो उमर बेटा मुझे कह रहा था कि मैं व्लॉग शुरू करता हूँ आज, और आप देखना मैं बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँगा। तो मैंने इनसे कहा था कि ठीक है आप ना आज बना, तो मैंने उमर अकमल से बोला कि चलें ठीक है मैं आके देख लेता हूँ। मैंने माशाल्लाह आके देखा, और आपने व्लॉग देख भी लिया है पहले शुरू से, कि उमर अकमल ने माशाल्लाह बहुत अच्छी व्लॉगिंग की है, मतलब मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज मैंने इसका व्लॉग देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, तो मैंने इसे कहा था कि ठीक है बेटा आज से हम, मैं और कामरान अकमल, ये मेरा छोटा बेटा कामरान अकमल है, अस्सलाम वालेकुम करो कामरान, ये मेरा छोटा बेटा कामरान है, ये भी मेरे साथ होगा, मैं उमर अकमल और कामरान अकमल, हम तीनों मिल के, ये हमारी टीम है, हम तीनों मिलके बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। उमर अकमल के दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैं गांव में, तो वो ये कह रहा था कि मैं कल से अपने जो दोस्त हैं ना उनको भी साथ लेके आऊँगा। तो मैं तो सारा दिन होता हूँ अपने बिजनेस की देखता हूँ, तो शाम को फ्री होता हूँ मैं, उमर के पास आ जाता हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज से जो हमारे व्लॉग है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो गाइस इस व्लॉग में आपको एक नमूना दिखेगा, वो मेरा दोस्त है, आपको वो बहुत फनी लगेगा, वो नाचेगा, आपने व्लॉग शुरू से देख रहे हैं ना, एंड तक वो तो देख रहे हैं बेटा, सारे देख रहे हैं। कौन कौन है दोस्त आपका? अदनान दोस्त है मेरा, तो वो अभी आएगा, आप इस व्लॉग में चलें दो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अब उमर अकमल की ना, अब ना उमर अकमल की हर बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कहता है ना वो करके दिखाता है। इसने कहा था कि मैं व्लॉग बहुत अच्छा बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा, तो आज मैंने आके देखी, आपने भी देख लिया होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उमर अकमल ने किस तरह की एक्टिंग की है, किस तरह का व्लॉग बनाया, और नेक्स्ट उमर अकमल को क्या करना चाहिए। और ये कामरान है, कामरान का आज मूड थोड़ा सा ऑफ है, तो इस वजह से थोड़ा सा इस तरह का आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह ये बहुत खुश अखलाक बच्चा है, बहुत हैप्पी बच्चा है, ठीक है, और आपको आपसे बड़ी मज़े की ये बातें करेगा कामरान अकमल भी। कामरान ये बताओ आप देखने वालों को, कामरान अकमल कह रहा है कि मैंने भी कुछ गुनगुनाना है, तो कामरान अकमल आप क्या सॉन्ग सुनाओगे? हाँ। सुनाओ कौन सा सॉन्ग है? लो जी एक तो ये जो चाहत फतेह अली खां का सॉन्ग आया है ना जी, बोदो बदी, ये हर छोटे और बड़े की जुबान पर है, पता नहीं इस गाने में ऐसी क्या खास बात है जो लोग इसको इतना ज़्यादा मतलब लाइक कर रहे हैं, समझ से बाहर है। तो उमर अकमल आप बात करें फिर अपने देखने वालों को। तो प्यारे भाइयों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 50,000 जो सब्सक्राइबर है वो इतनी जल्दी कैसे हो गए, तो ये इतनी जल्दी, ये सफ़र जो बहुत लंबा था इतनी जल्दी नहीं ऐसा हो सका,
आप मेरे YouTube के चैनल की डिटेल में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जो मेरा चैनल है ना वो मैंने 2017 में बनाया था, तो आप देख लें कि 2024 है, तो तकरीबन कह लो कि ये 7 साल का अरसा हो गया कि मैंने अपना चैनल बनाया है। तो शुरू में ऐसा था कि मैंने चैनल बनाया, थोड़ा सा काम किया, फिर उसको बंद कर दिया, उसके बाद फिर 2 साल इस पर गौर ही नहीं किया, फिर वापस आया, फिर 1-2 व्लॉग बनाए, को कम्युनिटी पोस्ट लगाई, फिर बंद कर दिया। ऐसे कर कर के ना मैंने तकरीबन बहुत सारा टाइम ज़ाया किया, जिसका मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मुझे तब से लेके अब तक कंटिन्यू इसको जारी रखना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। तो मैंने फिर 2023 में ये मतलब अपने आप से वादा किया कि अब मैं यूट्यूब पर आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ करना, इससे कुछ हासिल करना है। मैंने बहुत सारे लोग इससे हासिल कर रहे हैं, बहुत लोगों का रोज़गार माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इस बहाने से चला दिया है, बहुत ज़्यादा लोग खुशहाल है माशाल्लाह से। तो ये यूट्यूब की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आम लोग हैं वो भी मतलब जो वहाँ तक जिनकी पहुँच नहीं है शोबिज़ इंडस्ट्री तक, तो घर बैठ के जो अपना टैलेंट है उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट अल्लाह वाले नाम शेयर किए, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और बिला नागा अपनी कम्युनिटी पोस्ट को शेयर किया, बिला नागा यूट्यूब को देखा, उसको सीखा, दोस्तों से सीखने का बहुत कुछ मौका मिला, दोस्तों के पास गया। तो मतलब कोई भी आप किसी भी काम को आप टाइम देंगे ना, मेहनत करेंगे, तो अल्लाह पाक आपकी जो मेहनत है ना उसको रागा नहीं करेगा, आपकी मेहनत का आपको पूरा पूरा बदला मिलेगा। तो जैसे मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं माशाल्लाह से, इतने ज़्यादा हो गए हैं आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने मुझे कम्युनिटी पोस्ट पर जितनी आपने मुझे कम्युनिटी पोस्ट में मोहब्बत से नवाजा है, प्यार से नवाजा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप जो मेरे व्लॉग हैं उन्हें भी बहुत शौक से देखेंगे, मुझे आप सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे आप। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगा। मेरा बेटा उमर अकमल मेरे साथ है, उमर अकमल के कुछ दोस्त हैं वो भी मेरे साथ होंगे, एक छोटा मेरा बेटा है कामरान अकमल, उसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत से, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह जो हमारा व्लॉग डेली आया करेगा। तो आपने आज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिटी पोस्ट किस तरह वायरल करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट से सब्सक्राइबर किस तरह आते हैं। इंशाल्लाह आगे आगे चल के और आपका और मेरा रिश्ता बना रहेगा, आगे आगे चल के मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। उमरा बात करें, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको लोग पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में।